नमस्कार इंडिया न्यूज हेल्थ में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है इसमें कैल्शियम आयरन समेत कई पोषक तत्व होते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं ज्यादातर लोग इसे बिना एक्सपर्ट की सलाह के ले लेते हैं पर हुई हालिया रिसर्च ऐसे ही लोगों को अलर्ट करने वाली है भारतीय शोधकर्ताओं की रिसर्च कहती है गिलोय इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है लेकिन कुछ मामलों में ये गिलोय इंसान के लिए सुरक्षित नहीं है चलिए आपको बताते हैं कि मुंबई के विशेषज्ञों ने अपनी रिसर्च में क्या कहा पिछले साल गिलोय के कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिससे विवाद हुआ था मुंबई की एक रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की थी इस रिसर्च में कहा गया कि से छह लोगों के लिवर फेल हो गए उस रिसर्च पर आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे और कहा था कि हो सकता है कि मरीजों ने कोई ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया हो जो गिलोय जैसी दिखती हो मुंबई के शोधकर्ताओं ने अब पर से रिसर्च की है मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में उन मरीजों का इलाज हुआ था उन्हीं मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर आभा नगराल ने ये रिसर्च की है डॉक्टर आभा का कहना है कि उन मरीजों में लिवर टॉक्सिसिटी की स्थिति बनी थी जो इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्या है प्रॉब्लम है में इम्यूनिटी को बढ़ाने की पावर तो होती है उसी के कारण ही मरीज में ऐसी प्रकाशित भी हुई है रिसर्च में सामने ये बात आई है कि गिलोई का इस्तेमाल करने से खून में इम्यून मार्कर्स का लेवल बढ़ जाता है इस तरह उसके रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है इसी वजह से उसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की परेशानी उभरती है ऐसे मामले खास तौर पर उन मरीजों में सामने आते हैं जो डायबिटीज और हाइपोथर की समस्या से जूझ रहे हैं थायराइड ग्लैंड का पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज न कर पाने की हालात को हाइपोथाइर कहते हैं एक रिपोर्ट में डॉक्टर आभा का कहना है दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं इनमें से लिवर टॉक्सिसिटी होने का खतरा ज्यादा रहता है दवाओं के साथ इनके साइड इफेक्ट की जानकारी दी जाती है हर्बल दवाओं के बारे में भी ऐसा ही होना चाहिए आमतौर पर लोग मानते हैं कि सभी जड़ी बूटियां फायदा ही पहुंचाती हैं ये धारणा सही नहीं है जरूरी है कि हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें और समझ लें साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी परामर्श लें और हमेशा ही ये बात कही जाती है किसी भी चीज का एक्सेस खतरनाक होता है कि जीवन तो देता है तो इसके कुछ नुकसान भी है हम किसी आयुर्वेदिक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी जरूरी बातों का ध्यान रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें। हेल्थ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जे हेल्थ धन्यवाद